यह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। विमुद्रीकरण की घटना पर दुनिया ये देखना चाहती थी कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे। उसके बावजूद देश की विकास दर 7.9% से ऊपर जा रही है। यह भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया में आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। और इस दृश्य से मैं अभिनंदन करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि जिन्होंने सफलतापूर्वक देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है। और यही नहीं, इस दौरान जितने भी कल्याणकारी योजनाएं घोषित हुई, मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं उन मुद्दों पर जो लोग इससे पहले कहते थे, 2014 के पूर्व तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा की जाती थी, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा किए जाते थे, लेकिन चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दृढ़ता के साथ जिन बातों को कहा कि हमारी सरकार इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए समर्पित होगी, उसमें कोई जाति, कोई मत, कोई पंथ या कोई मजहब नहीं, बल्कि इस देश के उस आम नागरिक के लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी जो वास्तव में इस देश में विकास का सही मायने में हकदार है। और उस तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का कार्य किया मोदिया, मुझे याद है 1996-98 के दौरान कुछ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस दौरान मैं देखता था कि सरकार चेक देती थी उन किसानों को 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये का जो चेक उन किसानों को मिलता था, उन किसानों के पास अपने खाते नहीं होते थे। बैंक में जाते थे तो बैंक उनको कहता था कि खाता आपके पास नहीं है, आप पहले पान ले, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर द्वारा नहीं गया। यह छवि थी गोरखपुर की। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर के कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। सरकार कोई भी हो वह चलती रहे, लेकिन इस समाज की समस्या है, हम इसका समाधान यहां मिल बैठ करके करें। और मोदिया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में आज जो बातें, जो गोरखपुर के बारे में 1998 में मुझे सुनने को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर उस प्रकार की चर्चाएं होती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह, आप बोल सकते हैं। अरे क्यों, अरे मेरा नाम लगा, आप बोले ना, बोले बोले। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूँ। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद दिया है, समझ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबको इस बात, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सदन से। वास्तव में एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है संसद में सीखा जा सकता है। हम लोग, जब मैं पहली बार चुना गया था सांसद, तो मैं
इस बात के लिए थोड़ा अंदर से संकेत था कि पता नहीं कैसा व्यवहार होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग संसद परिसर में प्रवेश किए, यहां के एक एक कर्मचारी का जो सद्व्यवहार था, जो शिष्टाचार था, और वह केवल सदन में हम लोग यहां पर बहुत